तो आज मैं काफ़ी टाइम के बाद इसको अपने साथ लेके आया हूँ, GoPro 5 को, और आज हम आए हैं ताजमहल में। तो मैंने सोचा क्यों ना ताजमहल के टाइम लैप्स निकाला जाए। मैंने वहाँ पे कैमरा लगा दिया है, उसको भूल जाते हैं नेक्स्ट 5 से 10 मिनट के लिए। सो आई होप इससे बने हुए टाइम लैप्स आपको पसंद आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैप ऑन वेकेशन। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे हाथ में GoPro 5, अभी मार्केट में GoPro 9 आ चुका है, जस्ट नाउ अभी वो रिलीज हुआ है। तो मतलब ये अभी तक 4 साल हो चुके हैं मेरे पास ये GoPro खरीदा हुआ है। उस टाइम पे मेरा GoPro खरीदने का पर्पस यही था कि अंडर वाटर शूट के लिए, जो भी, क्योंकि आपको पता ही है GoPro सबसे बेस्ट है अंडर वाटर शूट के लिए, वाटर प्रूफ होता है ये। बट आजकल सारे फ़ोन वाटर प्रूफ होते हैं तो इतना इसका यूज़ नहीं होता, और मैंने इसको इतना यूज़ भी नहीं किया है मैंने, क्योंकि मेरे को कभी इतना ज़्यादा चांस नहीं मिला कभी अंडर वाटर जाने का, या किसी बीच में जाने का, या स्विमिंग पूल में जाने का। बट जहाँ पे इसकी ज़रूरत हुई मैंने इसको यूज़ किया है। तो आज मैं काफ़ी टाइम के बाद इसको अपने साथ लेके आया हूँ GoPro 5 को, और आज हम आए ताजमहल में। तो मैंने सोचा क्यों ना ताजमहल के टाइम लैप्स निकाला जाए। इस वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँगा ताजमहल के अच्छे अच्छे टाइम लैप्स दिखाने का, हर एंगल से जहाँ जहाँ से ये पॉसिबल हो सकता है। सो आई होप इससे बने हुए टाइम लैप्स आपको पसंद आएंगे, आप इंजॉय करोगे। तो स्टार्ट करते हैं इस GoPro से टाइम लैप्स बनाना। सो ये उसका मेन एंट्रेंस है, जहाँ से ईस्ट गेट, नॉर्थ गेट और वेस्ट गेट के सारे टूरिस्ट जाते हैं। ये बहुत ही क्राउडेड एरिया होता है, बट अभी इस टाइम पर क्राउडेड नहीं है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे एक अच्छा सा टाइम लैप लेने की। सो मैंने अपना यहाँ पर GoPro ऑलरेडी लगा रखा है, ठीक है। सो आई होप इससे एक अच्छा सा टाइम लैप रिकॉर्ड हो जाए। एक हम लेंगे मेन वाला, जो इसका मेन फ्रेम है, जहाँ से हर कोई लोग फोटो और वीडियो क्लिक करते हैं, जैसे कि आप इधर देखोगे। तो एक टाइम लैप हम लोग यहाँ से भी लेंगे, तो मैं इस पर रखने वाला हूँ यहाँ पे। आई होप इसमें कोई लाद वाद ना मारे, सीधा नीचे गिरेगा ये। अभी हम उसके मस्जिद पे आ रखे हैं, और हम अभी ये वाला रिकॉर्ड करेंगे टाइम लैप्स में। अच्छा सो जब मैंने मॉर्निंग में प्लान बनाया था कि मैं ताजमहल जाके GoPro से उसका टाइम लैप्स बनाऊंगा अच्छे अच्छे, उस टाइम पे वेदर बहुत अच्छा था, क्लाउडी वेदर था, और क्लाउड बहुत फास्ट मूव कर रहा था, उसमें बहुत अच्छा टाइम लैप आता है। बट जैसे ही हम लोग यहाँ ताजमहल पहुँचे, सडनली सब कुछ क्लियर हो गया, धूप आ गई। आई होप इससे हमारा टाइम लैप अच्छा आए, ऐसा कुछ ख़राब ना हो, बट फिर भी अब आ ही गए हैं तो फिर बना ही लेते हैं टाइम लैप। मैंने वहाँ पे कैमरा लगा दिया है, GoPro लगा दिया है, अब उसको भूल जाते हैं नेक्स्ट 5 से 10 मिनट के लिए, कि जब हम उसमें मैक्सिमम 5 या 10 मिनट का रिकॉर्ड करते हैं तो तब वो टाइम लैप 10 सेकेंड का जाके बनता है वो। सो चलो अब बैठेंगे यहाँ पे, थोड़ा अच्छे से हवा खाएंगे, 10 मिनट तक वेट करते हैं, फिर देखते हैं कैसा बनाइए। Thank you.
सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो ताजमहल टाइम लैप्स का, जिसमें मैंने आपको कोशिश किया अच्छे अच्छे ताजमहल के टाइम लैप्स दिखाने का। आई होप आपने ये वीडियो इन्जॉय किया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और आप ऐसे ही वीडियोस और भी देखना चाहते हो, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो विद द नोटिफिकेशन बेल आइकन। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी, बाय बाय।